हेलो एवरीवन वेलकम टू जीएस ओडिशा। आज आम 26 सेप्टेम्बर मोस्ट इंपोर्टाट करेक्ट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन करवा। वीडियोटी पसंद है लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जी सब्सक्राइब करना ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल डेली करेक्ट अफेयर्स और जॉब अपडेट विषय जानीपारे। को मूल बहुत पिथा होता है किंतु यार फल गुड़ी को बहुत मीठा होता है। यह था फ्रेंड्स आज मोटिवेशन। आज हूँ वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। थीम रही 2023 थीम रही ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ। फास्ट क्वेश्चन देखा, हुआर हेज पीएम मोदी लीड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। क्योंठारे नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर शिलान्यास करिसेंती। मथुरा, वाराणसी, मुंबई, न्यू दिल्ली। यार सठिक आंसर होची वाराणसी। The proposed international cricket stadium in Varanasi will be built on 30.6 acres रे तैयारी करा जाउची। The international stadium will be built at a cost रही 451 crore। will have a seat capacity, बसबार कैपेसिटी रही 30,000 पीपल्स। The stadium will be completed in 30 months complete करा जीवो। The stadium will have a main field, a practice ground, ए स्पेक्टर गैलरी, ए मीडिया सेंटर एंड मेनी अदर फैसिलिटीज रही। दि लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया एंड दि वर्ल्ड इज नरेंद्र मोदी स्टेडियम लोकेटेड अछि अहमदाबाद विथ ए कैपेसिटी ऑफ 1 लाख पीपल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, यह मोटेरा स्टेडियम कहा जाए। इंडिया लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन राउरकेला, ओडिशा, व्हिच विल बी नेम्ड बिरसा मुंडा स्टेडियम। द ओल्डेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन इंडिया इज द ईडन गार्डन स्टेडियम लोकेटेड इन कोलकाता रे अछि, व्हिच इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इन ग्रेटर नोएडा इज इंडिया ओनली फॉर्मूला रेस का ट्रैक रही। इंडिया लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम हूँ इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली रे अच्छी। बीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज बीन इस्टाब्लिश इन व्हिच स्टेट। क्यों स्टेट रे इस्टाब्लिश करा जायछि बीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक। यार सटीक आंसर होछि मध्य प्रदेश। बीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व इट इज सेवेन्थ टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश यह 7तम टाइगर रिजर्व एवं 54th ऑफ इंडिया, इंडियार 54तम। नोटिफिकेशन 22 सितंबर 2023। सेंचुरीज इंक्लूडेड नौरादेही, रानी दुर्गावती। टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता 1 एप्रिल 1973 ड्यूरिंग दि टेनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी समय रे। इंडिया फर्स्ट टाइगर रिजर्व 1973 जिम कॉबर्ट उत्तराखंड अवस्थित। फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश 1974 कान्हा किसली टाइगर रिजर्व एलोंग विथ हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर 785 इन दी कंट्री। मध्य प्रदेश ऑल्सो हैज द हाईएस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व रही। टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश कान्हा किसली टाइगर रिजर्व 1974, पेंच टाइगर रिजर्व 1992, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993, पन्ना टाइगर रिजर्व 1994, सातपुरा टाइगर रिजर्व 1999, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व 2008, बीरंगना टाइगर रिजर्व 2023। Which medal has been won by the women's 10-meter air rifle team in the 9th Asian Games? के मेडल जीति वुमेन्स 10-meter एयर राइफल टीम इन 9th एशियन गेम रे। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल, नन ऑफ दी एभव। यार सटीक आंसर होची सिल्वर मेडल जीति। एशियन गेम 2022 होल्ड इन दि ईयर 2023 होल्ड होती मस्कट रही चेंगचांग, कोंगकोंग एंड लियानलियान। हट सिटी हूँ चाइना मोटर रही हार्ट टू हार्ट @ फ्यूचर इवेंट डेट हूँ 23 सेप्टेम्बर टू 8 अक्टोबर 2023। मेन वेन्यू हूँ स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम। फ्लैग बेरियर होती मनप्रीत सिंह एंड लवलीना। इन दि 9th एशियन गेम दि 655 मेंबर्स इंडियन कंटिजेंट विल प्रेजेंटेड इट्स चैलेंज इन 41 आउट ऑफ 61 स्पोर्ट्स। मेन एंड वुमेन्स इंडियन क्रिकेट टीम आर participating in the Asian Games for the first time. The first Asian Games were organized in New Delhi 1951 रे organize करा जाय थिला first time. Who will address the 78th section of the United Nations General Assembly on behalf of the India of India? किए संबोधित करूछंती यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जयशंकर। यार सटीक आंसर होची एस जयशंकर। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैज रिच अमेरिका टू एड्रेस द 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड टू होल्ड बायलैटरल एंड multilateral meeting. External affairs minister will address the high level session of the 78th United Nations General Assembly on 26 September. United Nations General Assembly formation होता 1945 रे। हेडक्वार्टर होची न्यूयॉर्क US। चेयरमैन ऑफ 78th सेक्शन होचंती डेनिस फ्रांसिस। फर्स्ट सेशन होता 10 जनवरी 1946 यार वाज दि क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होल्ड इन सेप्टेम्बर 2023 के क्वाड मीटिंग होती न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी। यार सटीक आंसर होची न्यूयॉर्क। क्वाड अछंती इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्वाड कंट्रीज हैव डिस्कस फ्री एंड ओपन इन इंडो पैसिफिक। द मीटिंग वाज अटेंडिंग बाय इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, यूएस रो एंटोनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलिया रो पेनी वांग एंड जापान रो योको कोमिकवा। द आइडिया ऑफ क्वाड वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। फर्स्ट टाइम क्वाड ना को फॉरवर्ड करथिले 2007 रे। इन द ईयर 2017 इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान केम टुगेदर एंड फॉर्मेड द क्वाड अलायंस। ऑब्जेक्टिव रही टू एनश्योर ए फ्री फायर एंड प्रॉस्पेरियस इंडो पैसिफिक रीजन। ऑल कंट्रीज ऑफ क्वाड ग्रुप कंडक्ट मालाबार नवल एक्सरसाइज। दि 2023 क्वाड कॉन्फ्रेंस वाज होल्ड होता जापान रे। 2024 कॉन्फ्रेंस विल बी होल्ड होबो इंडिया रे। मेजर कॉन्फ्रेंस टू बी बिल्ड 2023 सांघाई कॉर्पोरेशन समिट इंडिया रे हिची। यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क यूएस। 22तम वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली। 12तम वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस फिजी। इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन व्हिच स्टेट? इंडिया फर्स्ट टाइम लाइट हाउस फेस्टिवल क्यों स्टेट रे स्टार्ट करा जायछि? गोवा, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। यार सटीक आंसर होछि गोवा। इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल विल स्टार्ट फ्रॉम 23 सेप्टेम्बर विल 25 सेप्टेम्बर। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज आयुष सर्वानंद सोनोवाल हैज इनोग्रेट करिसेंती इट एट फोर्ट अगुंडा लाइट हाउस इन पानाजी। गोवा रो कैपिटल होची पानाजी। सीएम अछंती प्रमोद सावंत, गवर्नर अछंती पीएस श्रीधरन पिल्लाई। मेजर फेस्टिवल ऑफ इंडिया लुई नागाई नी फेस्टिवल नागालैंड, किचेरी फेस्टिवल उत्तर प्रदेश, टूसू फेस्टिवल झारखंड, उगाडी फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, चपचार कुट फेस्टिवल मिजोराम, कोंगचिंगवा फेस्टिवल मणिपुर, आलपासी फेस्टिवल केरल, सिग्मो फेस्टिवल गोवा। हु हेज लॉन्च किसान ई मित्र पीएम किसान एआई चैटबॉट किए लॉन्च करिसेंटी? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कैलाश चौधरी, नरेंद्र सिंह तोमर। यार सटीक आंसर होची कैलाश चौधरी। इंडियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कैलाश चौधरी हेज लॉन्च करिसेंटी किसान ई मित्र पीएम किसान एआई चैटबॉट इन न्यू दिल्ली रे। AI chatbot will help करिबो providing scheme information as well as resolving complaint। सरपंच संपद apps गवर्नमेंट ऑफ आसाम लॉन्च करिछि। मोबाइल दोस्त आप यूनियन टेरिटोरी ऑफ जम्मू काश्मीर लॉन्च करिछि। हेरिटेज पोस्टाल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स लॉन्च करिछंती। पीएम किसान आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च करिछंती। इंडियन ओरिजिन चिटना मैनूस फर्स्ट नोबेल वेस्टर्न लेनी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर व्हिच अवार्ड? क्यों अवार्ड पाए शॉर्टलिस्टेड होती? नोबेल प्राइज, बुकर प्राइज, साहित्य अकाडेमी अवार्ड, पुलजर प्राइज। यार सटीक आंसर होची बुकर प्राइज। इंडियन ओरिजिन चिटना मैनूस फर्स्ट नोबेल वेस्टर्न लानी हैज बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 2023। Chitra Mukherjee's novel has been included in the last 6 novel. The award is to be announced on November. Indian origin author Maru was born Kenya and currently resides London, UK. The Booker Prize in 2022 was awarded to the novel The 7 Moons of Mali Olmida by Sri Lankan author Shehan करुणातिलका पाइथिले। प्राइज होची इट इज ए लिटरेसी अवार्ड। अवार्डेड इच ईयर फॉर दी बेस्ट नोवेल रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश इन द यूके और आयरलैंड। दिस अवार्ड वाज स्टार्ट करा जायतिला 1969 रे। विनर को 50,000 पाउंड पुरस्कार रूपे दिया जाए। A new species of fish has been discovered in Digha Port of which state? New species of fish को discover करा जायछि दीघा पोर्ट रे। यह क्यों स्टेट रे अछि? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बेंगल। यार सटीक आंसर होछि वेस्ट बेंगल। Scientists of Zoological Survey of India have discovered a new species of vibrant orange colored marine fish in the deep waters of Digha Mohana, West Bengal, commonly known as gourand or sea robins. It has been named Teriogoterrigela intermindica. When is Antodoya Day celebrated every year in India? Antodoya Day क्यों दिनों सेलिब्रेट करा जाए प्रति वर्ष? 24 सेप्टेम्बर, 25 सेप्टेम्बर, 26 सेप्टेम्बर, 22 सेप्टेम्बर। यार सटीक आंसर होची 25 सेप्टेम्बर। या थिला फ्रेंड्स आज मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो टी पसंद होइथिबो। जय हिंद, जय भारत।